हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग उंगलियां कैसे तेज चला सकते हैं कीबोर्ड या हारमोनियम पर। बहुत सिंपल टेक्निक है, काफ़ी लोगों को ये टेक्निक का पता नहीं है, तो ये मेरी कोशिश है कि आप सबको ये टेक्निक बता सको। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी बहुत तेज़ हारमोनियम बजाएं और घोड़े के जैसी स्पीड आप अपने कीबोर्ड पर ला सकें और या फिर अपने हारमोनियम पर ला सकें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हर कोई कर सकता है। सिर्फ 4 दिन का खेल है, 4 दिन में आप इस प्रैक्टिस करिए इस एक्सरसाइज को और 5वें दिन आपकी उंगलियां बहुत तेज भागेंगी। तो जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए सारा खेल है लय का। जितना आप अपना हाथ को लय के ऊपर टिकाएंगे, लय के साथ बजाएंगे या फिर ताल के साथ जो भी है अलंकार बजाएंगे, आपका हाथ उस लय पर पक जाएगा। मेन चीज़ होती है कि हमें अपने हाथ को स्वरों के ऊपर पकाना है अलग अलग स्पीड में। जैसे हम पहले स्लो स्पीड में बजाएंगे, फिर फास्ट में बजाएंगे, मीडियम में बजाएंगे, फिर फास्ट में बजाएंगे। हर एक बार अलंकार को तीन तीन स्पीड में बजाओ ताकि आपका हाथ पक जाए, फिर आपकी उंगलियां कहीं भी अटकेंगी नहीं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको एक कुछ अलंकार दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको टोटल 5 अलंकार है। ये 5 एक्सरसाइज आपको करनी है सिर्फ 4 दिन, और 5वें दिन आप स्पीड देखिएगा आपके हाथ में कैसे घोड़े की तरह आपका हाथ भागेगा कीबोर्ड के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने 150 का टेम्पो ले रखा है और यहाँ पे मैं मेट्रोनोम ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा मेट्रोनोम है, इसकी जो स्पीड है देखिए 150 है इसका टेम्पो। देखिए इसकी स्पीड सुनकर देखिए आप, ये इसकी स्पीड है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको 150 स्पीड पर अलंकार को बजाना है। तो मैं इसमें से आपको एक दो अलंकार ही बजा के दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से सारे अलंकार बजा के दिखाऊंगा। तो एक दो मैं बजा के दिखाऊंगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है अलंकार। तो सबसे पहले मैं पहला अलंकार पकड़ूंगा, सारे गामा रे गामा पा धा मा पा धानी पा धानी सा सानी धापा नी धापा मागा पामा गरे मागा रे सा। देखिए मैं 150 के टेम्पो पर बजाऊंगा, कैसे बजा रहा हूँ आप देखिए इसको। आप चाहे तो उसके साथ गा भी सकते हैं और चाहे तो खाली बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं। ये था 150 का टेम्पो। आपको क्या करना है, इस अलंकार को कम से कम 5 मिनट इस स्पीड पर बजाते रहना, ताकि आपका जो इस लय पर इस स्पीड पर आपका हाथ अच्छे से बरकरार हो जाए। अभी मैं आपको दो तीन बार कंटिन्यूअसली बजा के दिखाता हूँ इस अलंकार को। देखिए कैसे मैं बजा रहा हूँ, से मैंने कंटिन्यूसली आपको अभी 3 बार बजा के दिखाया। बट आपको क्या करना है, 5 मिनट इस अलंकार को अपने कीबोर्ड पे, अगर आपके पास मेट्रोनोम है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिजिटल मेट्रोनोम, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर भी बजा सकते हैं। 150 के टेम्पो पर आपको ये अलंकार 5 मिनट बजाना है। जब ये अलंकार आप 150 के टेम्पो पर आप अच्छे से बजाने लग जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, इसका टेम्पो बढ़ा देना है। आप चाहें तो इसका टेम्पो 180 पे बजा सकते हैं, 170 पे बजा सकते हैं, या फिर 200 के ऊपर, जितनी आपकी क्षमता है। अभी मैं 200 का टेम्पो लेकर बजा के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको 5 मिनट उस स्पीड पर बजाना है। देखिए अभी 200 का टेम्पो है, इसकी आवाज़ सुनिए कितनी स्पीड है इसकी। देखिए इस पर थोड़ा मुश्किल है हाथ को चलाना, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, अभी 200 के टेम्पो पर आपको 5 मिनट कंटिन्यूसली एक्सरसाइज को बजाना है।
जब 200 हो जाए फिर 250 के ऊपर ट्राई करना है। इस तरीके से आप जितना आप अपना हाथ तेज करना चाहते हैं आप उतना स्पीड पे इन अलंकारों को बजा सकते हैं, अपने हाथ को चला सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज को सिर्फ 4 दिन प्रैक्टिस करना है। ये जो 4-5 अलंकार मैंने आपको दिखाए थे शुरुआत में, आप अगर न आप लिखना चाहते हो तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, अगर चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे ही इन 5 अलंकारों को आपको कंटिन्यूअसली बजाना है। कंटिन्यूअसली बोले तो कैसे, अभी मैं आपको पहला बजा के दिखाता, फिर दूसरा बजा के दिखाता, फिर तीसरा। आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, पहला अलंकार मैंने आपको बजा के दिखा दिया, फिर दूसरा अलंकार है सारे सारे सागा रेगा रेमा गामा गापा, ये बजा के दिखाऊंगा, फिर तीसरा बजा के दूंगा। मैं टोटल आपको 3 अलंकार कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड में बजा के दिखाता हूँ। तो टेम्पो हम ले रहे हैं 150 फिर से, क्योंकि आपको क्या होगा कि पहले आपको एक एक अलंकार को अपने हाथ पर पकाना है। एक बार आपके हाथ पे एक एक सिंगल सिंगल अलंकार आपके हाथ पर बैठ गया, फिर आपको एक ही स्पीड पर, जैसे अगर 150 का टेम्पो रखना है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से आप 150 भी, 150 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 100 से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे 150 का टेम्पो लिया है तो मैं सारे एक ही स्पीड में बजा के दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे मैं बजा रहा हूँ, देखिए। अभी देखिए मैंने 4 अलंकार कंटिन्यूअसली, सॉरी 4 या फिर मैंने 3 अलंकार कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड में बजाए 150 के टेम्पो पर। आपको सारे अलंकार 150 के टेम्पो पर बजाने। जब 150 का टेम्पो आपको लगे कि हाँ अभी आप 150 के टेम्पो पर बहुत अच्छे से बजा सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली बजा सकते हैं, तब आपको टेम्पो चेंज करना है। टेम्पो करना है आपको 180 करके देखना है या फिर 200 टेम्पो। अभी आप 180 पर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे अभी मैं अभी एक बार बजा के दिखाता हूँ 1-2 अलंकार आपको 180 टेम्पो पर। ताकि क्योंकि देखिए पहले क्या होता है कि हमें स्लो पर हाथ टिकाना है, जब स्लो पर आपका हाथ बैठ जाए फिर आप तेज बजा सकते हैं, फिर तेज आप जितना चाहे मर्जी बजा सकते हैं, चाहे आप 200 300 400 जितना आपकी इच्छा है आप उतने टेम्पो पर बजा सकते हैं। देखिए 180 पर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, देखिए। अभी देखिए मैंने 4 अलंकार आपको एक ही स्पीड में एक ही टेम्पो पर बजा के दिखाए थे, वो है 180 टेम्पो। इस तरीके से आप अपने हाथों को पका सकते हैं, ठीक है। अभी एक और टेक्निक बताता हूँ। एक और टेक्निक क्या है कि अभी ये जो अलंकार आप इस स्केल से बजा रहे, जब आपका हाथ इस स्केल पर अच्छे से सेट हो जाए फिर आपको क्या करना है, दूसरे स्केल से बजाना। अभी देखिए मैं आपको इस स्केल पर भी आपको एक अलंकार बजा के दिखाता हूँ, देखिए कैसे बजाता हूँ मैं दूसरे स्केल से। अभी मैं इस स्केल से बजाऊंगा, देखिए कैसे बजा रहा हूँ मैं।
तो अभी मैं आपको दूसरे स्केल से बजा कर दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे बजा रहा हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से आपके हाथ में स्पीड आती है। अगर आप हर एक चीज़ को अलग अलग स्केल से बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोई ऐसा स्वर बचेगा नहीं जहाँ से आपका हाथ अटके, क्योंकि तैयारी होती है स्वरों के ऊपर। अलग अलग स्केल पर तैयारी करो, पहले आप एक स्पीड पर तैयारी करो, पहले स्लो स्पीड में करिए, फिर मीडियम में, फिर फास्ट में। एक स्केल पकड़ लीजिए, पहले एक स्केल को पक्का कर लीजिए, पक्का करने के बाद फिर दूसरे स्केल पर जंप करिए, वही अलंकार दूसरे से बजाइए, तीसरे से बजाइए, चौथे से बजाइए, अलग अलग टेम्पो में। मैं गारंटेड आपको लिख के दे दूँ, अगर आप मेरे को बोले ना खाली पेपर पर लिख के दे दो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटेड आपके हाथ में इतनी जान हो जाएगी, जान आ जाएगी, आपका हाथ घोड़े की जैसे चलेगा, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना ट्रैक पे, वैसे आपका हाथ कीबोर्ड पर चलेगा, ये गारंटेड है मेरा। ये जो चीज़ें हैं ये इनका जो रिजल्ट है गारंटेड रिजल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस मैं आपकी जगह आके नहीं कर सकता, मैं आपको खाली बता सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा। तो ये छोटी सी कोशिश थी आप सबके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो कहते रहते हैं कि हमारा हाथ यहाँ पे रुक रहा है, हम कैसे हारमोनियम में स्पीड लाएं, कैसे हम कीबोर्ड पर हाथ तेज चलाएं, तो यही एक तरीका है, यही एक नुक्ता है, यही एक आंसर है, यही एक जवाब है। हर एक चीज़ का एक ही समाधान है, वो है प्रैक्टिस, इस तरीके से आपको करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, स्काइप क्लासेस देता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आपको मेरा नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।